हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। बहुत बड़ी धमाकेदार अपडेट निकल के आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। और जो भी लोग यहां पे यस बैंक के बारे में परफॉर्मेंस के मामले में क्वेश्चन रेज कर रहे थे या जो भी यहां पे बोल रहे थे कि जो यस बैंक है वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि यस बैंक डूब सकती है, तो उनके लिए यहां पे सबसे बड़ा आंसर है। मैं जो अपडेट लेके आया हूं उससे सारी चीजों की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और यहां से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी तेजी के संकेत भी नजर आ रहे हैं यस बैंक में। तो आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में जो कि आपको यस बैंक में देखने को मिला। तो आज यस बैंक के लिए जो ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। करीबन 2.5% के आसपास की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो तेजी थी वो आपको मॉर्निंग से ही देखने को मिल गई थी क्योंकि एक अपडेट जो निकल के आई थी वो मॉर्निंग में ही आ गई थी, जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो यस बैंक के शेयर प्राइस पे आपको देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे जितनी बड़ी तेजी आ सकती थी उतनी आपको इसमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि साथ के साथ अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया भी है कि जो बाइंग साइड है और सेलिंग साइड है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सेलिंग साइड पे भी आपको अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है यस बैंक में, जो कि हमेशा ही होता है। जब भी आप कभी भी यस बैंक में कोई बड़ी तेजी देखते हो तो आपको जो सेलिंग साइड है वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा आना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो एक बड़ा मूवमेंट है वो एक छोटे मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं पहले डायरेक्टली वो जो अपडेट है वो आपको बताता हूं, उसके बाद आगे की बात हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर जो अपडेट निकल के आ रही है वो इनके Q2 के नंबर से रिलेटेड निकल के आ रही है। अभी पूरा Q2 जो रिजल्ट है वो नहीं आया, सिर्फ 2-3 अपडेट निकल के आ रही जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है। यस बैंक ने BSE पर यहां पे आप देख पाओगे नोटिस के थ्रू अपडेट किया है कि यस बैंक में लोन्स एंड एडवांसेस में अगर आप देखोगे तो 3.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत ज्यादा बेहतरीन ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिली है यस बैंक के लोन्स एंड एडवांसेस सेक्शन में। अगर आप यहां पर देख पाओगे जो मैं आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेट्स बताता था कि जो यस बैंक है वो अपने लोन्स के बिजनेस पे कितना ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रही है, और मैंने आपको 2-3 वीडियो के थ्रू ये भी बताया था कि जो उनके होम लोन्स पे भी काफी अच्छा खासा ऑफर है, और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी पार्टनरशिप्स डील करी जा रही है जो कि अगर आप देखोगे डिफरेंट कंपनीज के थ्रू करी जा रही थी, जिससे जो लोन का बिजनेस है, जो लेंडिंग का बिजनेस है, उसको एक अलग ही लेवल पर ले जाने की प्लानिंग करी जा रही थी यस बैंक के बारे में। और यहां पे अगर आप देखोगे तो वो चीज आपको पूरी तरीके से होते हुए नजर आई है। जो लोन्स एंड एडवांसेस में अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा बेहतरीन इंक्रीमेंट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिला है। यहाँ पे जो इसका टोटल अमाउंट निकल के आया है 1,72,945 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में निकल के आया है। बहुत ही बड़ा नंबर है किसी भी पर्टिकुलर बैंक के लिए। आगे की चीजें और अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो यस बैंक की तरफ से नोटिस दिया गया है उस पर मैं आपको लेके आ गया हूँ। यहाँ पे आप पूरी टेबल देख पा रहे हो लोन्स एंड एडवांसेस का, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब मैं आगे के पॉइंट्स को एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दूसरा बड़ा इंक्रीमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है वो इनके डिपॉजिट्स में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आप नंबर्स में डिफरेंशिएशन देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर किसी बैंक का लोन्स एंड एडवांसेस का बिजनेस ग्रो कर रहा है इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। सेकेंड चीज़ जो निकल के आती है वो डिपॉजिट्स, यानी कि जो यहाँ पर डिपॉजिट्स कितना इंक्रीज कर रहा है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिपॉजिट्स में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है।
तीसरी सबसे बड़ी अपडेट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कासा में आपको देखने को मिल रही है, यानी कि करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। इसका मतलब आप यहाँ पे ये देखोगे जिस अकॉर्डिंग इसमें ग्रोथ है उससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि लोगों को अब यस बैंक में धीरे धीरे करके जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लोग वहीं अकाउंट खुलाते हैं जहाँ पे उनको ट्रस्ट होता है। तो वहीं अगर आप कासा देख पा रहे होगे तो वो काफी हद तक अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम देखें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जी इतना ज़्यादा आपको कम देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब पिछले 3 क्वार्टर को अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे, जब पिछले से पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था कि इसको हम 100% के आसपास लाने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको Q1 में ही देखने को मिल गया था कि 100% के आसपास। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो वो उससे भी कम होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि एक और यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ी अपडेट है इसके बिजनेस से रिलेटेड, सो डैट यहाँ पे आपको पूरी क्लैरिटी भी मिलेगी कि किस अकॉर्डिंग यस बैंक में आपको बिजनेस होते हुए नज़र आ रहा है। और जो भी लोग यहाँ पे कहते थे कि यस बैंक में आपको डेली अपडेट्स तो देखने को मिलती हैं लेकिन इन पे अगर आप देखोगे तो शेयर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि जिस अकॉर्डिंग यस बैंक की हालत है वो सुधरने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन जब तक इनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव नहीं होंगे तब तक आपको यहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपको दिन ब दिन इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स मैंने आपको कुछ हाईलाइट किए हुए हैं। तो मार्केट में जैसे ही ये रिपोर्ट आती है उसके बाद से अगर आप देखोगे यस बैंक में अच्छा खासा उछाल था, ओपन हाई और लो भी आप यहां पे स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। 13.05 रुपये पर आपको ओपन देखने को मिला, जो आज इसका लो गया था वो 13 रुपये पर गया था और 13.20 रुपये का इसने हाई बनाया। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर भी इस पे आपको क्रिएट होते हुए नजर आया था, इसकी वजह से ये एक बहुत बड़े मूवमेंट में अभी कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब यहाँ पे जो Q2 के पूरे नंबर्स आएंगे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि यस बैंक में क्या पड़ने वाला है। जहां तक मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको कि कल के दिन में भी Q2 नंबर्स पूरी तरीके से आते हुए नजर आ जाए या फिर आज इवनिंग तक आपको ये नंबर्स देखने को मिल जाए। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक हाइलाइट्स तो मिली गई है जो कि काफी ज्यादा इंप्रूव्ड नजर आ रही है, तो हो सकता है ओवरऑल Q2 नंबर्स जो भी आएंगे वो और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको यस बैंक के कल के दिन बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो सीधी एंड सिंपल स्ट्रेटेजी ये है, अगर आपको यस बैंक की मैनेजमेंट पे भरोसा है, उसके फाइनेंशियल्स जो कि इम्प्रूव हो रहे हैं उस पे भरोसा है, या फिर आपने और जो रिसर्च की है उस पे भरोसा है, तो आप इसमें बने रहें। अदरवाइज आपको अगर जो लोग इसमें नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं उन पर भरोसा है या फिर आपको लगता है कि ये शेयर डूब जाएगा उस चीज़ पर भरोसा है, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। जहां तक मेरी रिकमेंडेशन है आप लॉन्ग टर्म में इसमें आपको अच्छा खासा गेन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।